हाय फ्रेंड्स, आज मैं ब्रेड और आलू के सैंडविच बनाने वाली हूँ, जिसके लिए हमने ये सारे इंग्रेडिएंट्स लिया है। हमारे पैन अच्छे से गर्म हो चुके हैं। हमने इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है। हमारे तेल अच्छे से गर्म हो चुके हैं। अब मैं इसमें 1/4 स्पून जीरा ऐड कर रही हूँ। इसे मैं कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लूँगी। ये देखिए, हमारे अच्छे से क्रैकल हो चुके हैं ये। अब मैं इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज ऐड कर रही हूँ, जिसे हमने अच्छे से चॉप कर लिया है। साथ ही मैं इसमें 2 ग्रीन चिलीज ऐड कर रही हूँ, जिसे हमने अच्छे से चॉप कर लिया है। ये हमारे फ्राई हो रहे हैं। इसे मैं लाइट गोल्डन कलर होने तक फ्राई करूँगी। इसे हमने मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लिया है। आप देख पा रहे हैं इसके अच्छे कलर आ चुके हैं। अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड कर रही हूँ। इसे मैं कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लूँगी। लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड करके हमने कुछ सेकंड फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें सूखे मसाले ऐड करने जा रही हूँ। सूखे मसाले पे हमने लिया है 1/4 स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून चिल्ली पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/4 स्पून गरम मसाला, 1/4 स्पून अमचूर पाउडर। इन सारी चीज़ों को मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। सारे सूखे मसाले हमने ऐड कर दिया है। अब मैं इसे 8 से 10 सेकंड फ्राई कर लूँगी। सारे सूखे मसाले को हमने 8 से 10 सेकंड तक फ्राई कर लिया है। ये अच्छे से भून चुके हैं। अब मैं इसमें बॉईल किए हुए आलू ऐड कर रही हूँ, जिसे हमने अच्छे से बॉईल कर लिया है। 4 आलू हमारे हैं। अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग करें। सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं इसे स्मैश करते हुए अच्छे से मिक्स करूँगी। मैं इसे अच्छे से स्मैश कर रही हूँ। इस पॉइंट पे हमारी गैस की फ्लेम बिल्कुल लो है। इसे हमने अच्छे से स्मैश करते हुए मिक्स कर लिया है। ये अच्छे से तैयार हो चुके हैं। अब मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर रही हूँ। हमारे फिलिंग्स तैयार हो चुके हैं। सारी चीज़ें हमारे रेडी हो चुके हैं। अब मैं सैंडविच स्टार्ट कर रही हूँ बनाना। फर्स्ट मैं इसमें 1/2 टीस्पून चिल्ली सॉस ऐड कर रही हूँ। वन टीस्पून मैं इसमें टोमेटो केचप ऐड कर रही हूँ। टोमेटो केचप हमने अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। अब मैं इसमें फिलिंग्स ऐड कर रही हूँ, जिसे हमने अभी बनाया है। इसे हमने अच्छे से इवेनली स्प्रेड कर लिया है। अब मैं दूसरे स्लाइसेस को इसके ऊपर प्लेस कर रही हूँ। अब मैं इसे सैंडविच मेकर में प्लेस करने जा रही हूँ। हमने स्विच ऑन कर दिया है। अभी हमारे रेड बटन शो हो रहे हैं। जब ग्रीन बटन शो होंगे, इसका मतलब हमारे सैंडविच तैयार हो चुके हैं। ये तैयार होने में 1.5 से 2 मिनट लगेंगे। ये देखिए, हमारे ग्रीन बटन ऑन हो चुके हैं। इसका मतलब हमारे सैंडविच तैयार हो चुके हैं। अब मैं स्विच ऑफ कर रही हूँ। ये देखिए, बैक साइड भी हमारे अच्छे से कुक हुए हैं। ये देखिए, हमारे आलू के सैंडविच तैयार हो चुके हैं। आप इसे घर पे बना के ज़रूर एंजॉय करें। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई
तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।